पाकिस्तान भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के खौफ से उबर नहीं पा रहा है। लगातार पाकिस्तान भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के खौफ में जी रहा है। पाकिस्तान को डर है कि भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शुक्रवार को यूएई में कहा कि पाकिस्तान के पास ऐसे सबूत हैं कि भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, खुफिया सूत्रों से मुझे पता चला है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहा है। ये एक गंभीर बात है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने आगे कहा कि मुझे इस बात की जानकारी है कि भारत ने इसके लिए अपने महत्वपूर्ण सहयोगियों से भी मंजूरी लेने की कोशिश की है, जिन्हें वो अपना साझेदार मानते हैं। भारत में बढ़ते गंभीर आंतरिक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की योजना बनाई जा रही है। ये कहना है पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का। साथ ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री को भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के डर से शांति की अहमियत भी याद आ रही है। महमूद कुरैशी ने कहा कि हम दुनिया को याद दिलाते हैं कि शांति एक सामूहिक जिम्मेदारी है। भारत अपनी घरेलू परेशानी से ध्यान हटाने की कोशिश में है और हमें अस्थिर करना चाहता है। हम अपील करते हैं कि दुनिया उसे ऐसा करने से रोके। ये कोई पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान की ओर से इस तरह का बयान आया है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रमुख अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा था कि खुफिया एजेंसियों को ऐसे संकेत मिले हैं कि दिल्ली में जारी किसान प्रदर्शनों से ध्यान हटाने के लिए भारत सरकार फिर से कोई दुस्साहस कर सकती है। अखबार ने सेना के सूत्रों के हवाले से लिखा कि सर्जिकल स्ट्राइक की आशंका से पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर सैनिकों को हाई अलर्ट पर कर दिया है। अखबार ने लिखा था कि कई विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल और भारत पाकिस्तान वर्किंग बाउंड्री पर पाकिस्तानी सैनिकों को हाई अलर्ट कर दिया गया है, ताकि भारत के किसी भी दुस्साहस का पाकिस्तान जवाब दे सके। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या भारत की तरफ से पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिलेगी। भारत ने 2016 में उरी हमले के जवाब में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी।